आज की कथा दला महाजन, ये जो गाते हैं आज भी गली गली में गाते हैं, गुजरात में भी गाते हैं, राजस्थान में भी गाते हैं, राजस्थानी में भी गाते हैं और इधर गुजरात में गुजराती में भी गाते हैं। हेलो मारो सांभलो और सांभलो, रणुजा नाराय, मारवाड़ी में भी रणुजा नाराय बोलते हैं। ये कथा कब बनी, कैसे बनी, आज की कथा प्रारंभ हो रही है। आज महत्व बना है पैसे का। कन्या कुंवारी रह जाए जब पैसे का हो अभाव, औषधि बिना रोगी मरे, बिन पैसे कछु नहीं पाए। क्योंकि ये अर्थ प्रधान युग है, चार प्रकार के युग आए और चारों ही अलग अलग प्रकार के रहे। सतयुग में सत्य की प्रधानता रही और त्रेता में तप की प्रधानता रही, द्वापर में यज्ञ की प्रधानता रही और इस कली काल में अर्थ की प्रधानता है। बिना पैसे कोई कार्य नहीं हो सकता। कहते हैं धनवंत के लिए असंभव क्या, पैसा बहुत कुछ करवाता, बचा लेता कहीं मरते हुए, बेमौत किसी को मरवाता। फिर आज के युग में हरेक कहते हैं स्वामी जी जो कुछ है सो पैसा ही है, पैसे बिना कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा पक्ष अलग है, मेरी नजर में बहुत कुछ पैसा, पर पैसा सब कुछ नहीं होता। क्या ईश्वर की लीला के आगे पैसा कुछ नहीं कर सकता? क्या चश्मा मिल जाए पैसे से, चश्मा मिल जाए पैसे से, पर नेत्र ज्योति नहीं मिलती है। मिल जाए पलंग सुंदर लेकिन नींद नहीं मिल सकती है। गीता मिल जाए स्वर्ण अक्षर पर ज्ञान कहां से पाओगे? मिल जाए पैसे बल बेटा पर पुत्र कहां से पाऊं? पैसे से हारमोनियम मिल जाएगा पर आवाज नहीं मिलती, पैसे से बेटा मिल जाएगा पर पुत्र नहीं मिलता, पैसे से जहर मिल जाता है पर अमृत नहीं मिलता, पैसे से औरत मिल जाएगी पर शुद्ध पत्नी नहीं मिलती, पैसे से क्रीम पाउडर मिल जाएगा पर रूप नहीं मिलता है, पैसे से सुख मिल जाएगा पर शांति नहीं मिलती। शांति के लिए तो श्री हरि की शरण में आना ही पड़ेगा। क्या हरे रामा
पैसे से नाना प्रकार के मिष्ठान मिल जाए।